हेलो दोस्तों, मैं प्रणव कुमार, पिपिक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर के अंदर गूगल क्रोम लोगो डिज़ाइन कैसे करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लेंगे। कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के बाद आपको पेज की साइज़ A4 लगानी है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन रखनी है, यूनिट का लिमिटेशन आपको सेंटीमीटर रखनी है। शिफ्ट प्लस F4 बटन से आप पेज को सेंटर में लेके आ जाइए। उसके बाद एक स्मॉल साइज का एलिप्स टूल्स को आप सिलेक्शन लीजिए। आप कंट्रोल होल्ड की मदद से इसे आप ड्रॉ कर दीजिए। इसकी साइज़ वैल्यू आपको इस जगह से 12.00 सेंटीमीटर रखिए। हाइट विड्थ तो दोनों आपको बराबर रखनी है। और इसे आप एक बनाने के बाद में आप प्लस साइन लगाएंगे तो इसके ऊपर आपको डुप्लीकेट सर्कल बनेगी। और उस सर्कल को फिर आप यहां से 6 सेंटीमीटर से आप इसे छोटा करेंगे, बिल्कुल हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद फिर से आप इसे प्लस साइन लगाएंगे और 6 सेंटीमीटर से इसको आप 5 सेंटीमीटर लेके आएंगे। तो दोस्तों, तीन प्रकार का ये साइज़ देने के बाद में आपको इसके अंदर में इस सर्कल के ऊपर में आपको गूगल क्रोम्स लोगो डिज़ाइन आप बनाएंगे अभी। तो इसके सपोर्ट में एक यहाँ से फ्री हैंड टूल सेलेक्ट करेंगे। इस जगह पे आपको एक लाइन्स ड्रॉ करनी है, स्मॉल लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको ये मिडिल सर्कल को आप इसे क्वाइटेंट से इसे आप लाइन को छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद इसके ऊपर एक क्लिक लगाएंगे और क्लिक लगाने के बाद इसका आप इसे सेंटर पॉइंट आप इसे लेके आएंगे। सेंटर पॉइंट आने के बाद आप इसे इस लिटिल बिट्स को आप इसे घुमाएंगे और घुमाने के बाद इस पॉइंट सर्कल पॉइंट से बाहर होने के बाद आप राइट क्लिक कमांड लगाएंगे तो आपका लाइन डुप्लीकेट बनेगा। डुप्लीकेट बनने के बाद इस फ्रेम को बनने के बाद दोस्तों आप इस फ्रेम को ध्यान से देखिए। इस फ्रेम को बनने के बाद आप इसके अंदर कलर फिल कैसे करेंगे। कलर फिल करने के लिए आप स्मार्ट फिल टूल्स को यूज़ करेंगे। आपकी कलर की जो वैल्यू होती है आप उसे यूज़ करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे रेड कलर यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, दो पॉइंट कलर फिल होने के बाद आप इसे इस लाइन का सपोर्ट लाइन को आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद लिटिल बिट्स को पकड़िए और दूसरा दो बिट्स को पकड़ना है आपको। एक बिट्स एस बन के दिखेगी, एक ये बनेगी। दोनों बनने के बाद आपस में सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से वेल्ड करनी है। वेल्ड जब आप करेंगे दोनों आपस में मिलके आपको ये एक छोटा सा पेटल्स डिज़ाइन आपको दिखेगा। इस पेटल्स डिज़ाइन को बनने के बाद आप इस पेटल्स के ऊपर एक सिंगल क्लिक करेंगे जिससे कि आप सेंटर पॉइंट केंद्रित मिलाएंगे। सेंटर मिलाने के बाद आप इस राउंड पॉइंट को पकड़ के आप इसे घुमाएंगे और इसे आप अभी डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद आप इसके अंदर कलर जो आप चाहते ग्रीन, आप ग्रीन फिल कर लीजिए। फिर आप इसे रोटेट कीजिए, इसके अंदर भी आप कलर फिल कर लीजिए। आपको ये रेड कलर आ रही है, रेड कलर फिल कर लीजिए। इसके अंदर में आप कलर बना लीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार आप गूगल क्रोम लोगो डिज़ाइन आप बना सकते हैं। सभी को फिल करते हुए आप राइट क्लिक मार दीजिए, कलर बन जाएगा। आप इसे कंट्रोल जी से ग्रुप कर दीजिए ताकि आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। एंड टेक्स्ट टूल से आप यहां पे टेक्स्ट टूल लिख दीजिए। इस प्रकार आप कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर के अंदर गूगल क्रोम डिज़ाइन बना सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक्स एंड बाय बाय दोस्तों।